हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे मौज में होगे। आज हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग करने, बहुत इंटरेस्टिंग शॉपिंग होने वाली है। क्या शॉपिंग करने वाले हैं ये तो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। और ये एक्चुअली जो भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं आपके काम के भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कैसे करना चाहिए आपको आइडिया भी मिलेगा, और कहाँ से लेना चाहिए वो आइटम यदि आप देख रहे हैं खरीदने के लिए तो कहाँ से लेना चाहिए इसका भी आपको जगह भी मैं बताने वाला हूँ। ये मेरे साथ पूजा मैडम है, बहुत दिनों बाद हमारे वीडियो में आ रही है और कुछ बोलती वोलती नहीं है, बस हंसना इनका काम है। तो चलो इनको हंसते हुए, इनको हंसाते हुए लेकर चलते हैं जहाँ से शॉपिंग करने वाले हैं वहाँ पर। चलो पर आ गया हूँ, स्टोर का नाम है रिलायंस डिजिटल। चलो अंदर देखते हैं क्या खरीदना है मुझे। तो मेरी शॉपिंग हो गई, अभी मैं ऑफिस में चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या खरीदा है, लास्ट तक बने रहिए। तो अभी अभी प्रोडक्ट मैं लेकर आया और मैंने अभी इंदर सर से बोला कि इंदर सर यदि ये चैनल चल गया तो मैं तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो उनका क्या रिप्लाई था कि सर चढ़ाओगे आप, ललचाकर मेरे को हटा लोगे। तो कहीं भगवान लोग भी लड्डू खाते हैं क्या? सिर्फ उनको दिखाया ही जाता है ना। तो इनको मैं भगवान के बराबर रख रहा हूँ तो इनको नहीं बोल रहा है कि चढ़ा कर मेरे को लाओ, खाना है मेरे को। मेरे को मत चढ़ाओ। तो इन्हीं में तो मैं अभी दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रोडक्ट लाया है, बेसिकली क्यों लाया है। तो एक्चुअली मैं पहले दिखाता हूँ फिर बात करेंगे हम लोग। तो पूजा मैडम कैंची देना, इसको खोलते हैं। ये है डेल का लैपटॉप। मैंने ये लैपटॉप क्यों लिया बताता हूँ, कैंची देना। पूजा मैडम एकदम शांत बैठी है, वो काम कर रही है, इनका लैपटॉप नया है। हाँ, पुराने पर ये काम नहीं करती हैं। पुराने पर दूसरी लड़की रिचा जो है वो काम करती है, और उसका हमेशा शिकायत रहता है कि नया वाला आता तो पूजा मैडम को दे दिया जाता है और पुराना मुझे दे दिया जाता है। तो एनीवे, हमारे जो पुराने वाले लैपटॉप थे वो सब ख़राब हो गए। एक्चुअली उसका जो ग्राफिक्स था जिसके वजह से एडिटिंग का काम होता है वो एडिट हो नहीं पा रहा था, तो ये एकदम से नहीं चल रहा था। तो ये हुआ कि ठीक है एक और दूसरा लेते हैं। तो मैं एक गया, ये एक लैपटॉप ख़रीद कर मैं लेकर आया। ये भी डेल का ही है। एक्चुअली डेल का मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो इसलिए मैंने लिया। और ये तो मैंने ये लिया यहीं पर फोर्ट में है एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम इलेक्ट्रॉनिक का। तो ये लैपटॉप है, इसको ऊपर रखते हैं, इसको साइड में रखो पूजा मैडम। और इसमें क्या मिला है, ये मैनुअल है जैसे सब में होता है यूज़ करने के लिए, यूजर मैनुअल है। और ये सब भी वैसे ही है, सेफ्टी इन सबको माइंड में रखते हुए सब पेपर है दिया गया है। और इसमें है ये इसका चार्जर है। मुझे लगा कि सिर्फ इतना ही दिया है क्या। तो इसका ये चार्जर हो जाएगा यूज करने के लिए। मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि ये दूसरे ऑफिस में भेजना है। तो ये चार्जर, और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये लो पूजा मैडम हटाओ। और ये है लैपटॉप, इसको पैक किया गया है ठीक से। तो मैंने ये लैपटॉप लिया क्यों, बेसिकली मेरे दूसरे लैपटॉप हैं जो कि ऑफिस के पर्पज़ में अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो एडिटिंग का काम करवाता हूं तो उसमें दूसरे जो लैपटॉप हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो चलते भी नहीं है, बहुत स्लो काम करते हैं। और अभी दो तो रिसेंटली ख़राब हो गए, एक डेल का था, एक किसका था पूजा, लिनोवो का था।
लेनोवो का और डेल का दो थे, वो दोनों ख़राब हो गए क्योंकि वो नॉर्मल लैपटॉप थे। तो जब से मैंने ये लिया है डेल का, ये स्पेशली मैंने एडिटिंग के लिए ही लिया था, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स थे जिसमें एनवीडिया का ग्राफिक्स था और एसएसडी कार्ड वगैरह सब कुछ था। तो मैं वैसे ही फिर से इस लैपटॉप को भी लिया हूँ जो कि विंडोज़ 10 है, इंटेल आई कोर 5 प्रोसेसर है और एनवीडिया का 2GB का ग्राफिक्स है, 256 इसका एसएसडी कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी अच्छा वीडियो एडिट करने में और स्पीड भी लैपटॉप का अच्छा बना रहता है। तो इस तरह यदि आप लोगों को भी लेना है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए। यदि वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से लेना है तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए फिर आप लैपटॉप परचेज़ करिए। अदरवाइज़ आप सस्ते में लेने जाओगे, 35-40 हज़ार का यदि आप लेते हो तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मैं नहीं बोलता कि ख़राब ही हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं मतलब है, लेकिन जो एक स्मूथ वर्क चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशनल काम चाहिए, तो थोड़ा सा आपको प्राइस आपको बढ़ाना चाहिए। इस लैपटॉप ये मेरे को लैपटॉप बेसिकली पड़ा कितने में, इसके साथ मुझे कुछ एसेसरीज तो मिला नहीं है, सिर्फ ये एक डेल का ही बैग मिला है और इसके साथ साथ बहुत बोलने के बाद तो उसने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया है जो कि इसका रिकवरी के लिए है। इसमें भी वो सारा इसका सॉफ्टवेयर अपलोड करके देगा, फिर से लेकर जाना पड़ेगा स्टोर में। तो और स्टोर में क्या वो लोग शूट करने देते नहीं, बड़े स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के तो लोग सीधा मना कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, ये फोर्ट में ही है, पास में मुंबई में, तो वहाँ से हमने लिया। ये मेरे को इसका जो प्राइस है 61,799 का था, तो मैंने बार्गेनिंग किया, इसके साथ थोड़े एसेसरीज थे तो मैंने उन सारे एसेसरीज़ को लेना ज़रूरी नहीं समझा। माउस वगैरह कुछ था, प्रिंटर वगैरह था, तो प्रिंटर तो ऑलरेडी मेरे पास है और वो भी दो दो हैं, एक तो ख़राब भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें से कम करवाया, तो जिससे थोड़ा 3,500 कम हुआ और फिर मैंने थोड़ा अपने तरफ से नेगोशिएट कराया, तो लगभग मेरे को 57,100 समथिंग में ये पड़ा। तो बेसिकली 57,000 में मेरे को ये लैपटॉप पड़ा है और ये सिल्वर कलर का आप देखिए खूबसूरत दिख रहा है। बस स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसका स्क्रीन का साइज़ 15.6 इंच है, लेकिन फुल एचडी है और ये हमें लगता है कि 14 इंच का था, तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, लाना ले जाना आसान होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है बस इतना ही। अदरवाइज़ प्राइस में भी देखें तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, तो ये थोड़ा सस्ते में पड़ा है हमें। ये जब लिया था तो 65 का था, तो ये 57 का है, तो अच्छा है। तो इस तरह से आज मेरा शॉपिंग हुआ। आप लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमेशा नेगोशिएट करने की कोशिश करिए, थोड़ा कुछ पैसे बच जाए तो अच्छी बात है। जैसे मैंने बचाया है 2,000 तो एडिशनल बचाया ही है, और एसेसरीज कम करके तो लगभग 5,000 के आसपास मैंने बचा लिए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया मेरे काम के लिए। अब काम थोड़ा स्मूथली अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा और एडिट करने में इन लोगों का भी जो सिर जाता जाता उन लोगों को भी रिलैक्स रहेगा। क्या बोलते पूजा मैडम, इतना सीरियस हो गई एकदम? पूजा मैडम कुछ बोलती उलती नहीं है, एकदम सीरियस रहती, कुछ बोल दो। चलो ये हंसते हुए गई थी और अभी भी हंसी रही है, कुछ बोलना नहीं है, एक बार हेलो तो बोल दो। तो ये हम लोगों का आज का शॉपिंग था जो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिसको जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, स्टूडेंट्स हो या यूट्यूबर हो या जो भी, सबको ज़रूरत पड़ती है, तो अपने ज़रूरत को माइंड में रखते हुए आप खरीदें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कोई भी परिस्थिति उसमें डटे रहिए। बाय बाय।